बचपन में कम से कम 8-10 साल की थी तब मैं एक बार यहाँ आई थी, पर वहाँ पर तो काफ़ी धूम था, महाआरती काफ़ी धूम था। आज आई हूँ कुछ भी नहीं है उस अनुपात में। लग रहा है कि लाइफ बहुत बिजी हो गया है। ये मंदिर है, ये सब लाइटिंग से जगमगाता था। आज मकर संक्रांति है, लोग नदी में नहाते हैं, बस इतने ही लोगों को इंटरेस्ट है क्या, मैं यही सोचती हूँ। क्योंकि उस समय जिस अनुपात में जनसंख्या थी यहाँ, उसका 10% भी आज नहीं है। मेला भरता था दोनों घाट में, उधर इधर दौड़ा दौड़ी करके बापरे होता है। आज तो सुनसानी है बोला जाए तो एक तरह से। बहुत सुना है हनी। हाँ जी एकदम, पता नहीं, मैं मकर संक्रांति में तो कभी नहीं आया। अच्छा यहाँ नहा रही, इधर मत जाओ। मैं मकर संक्रांति में तो कभी नहीं आया। मम्मी बताई कि होता है बहुत कुछ करके, बट कुछ नहीं है उतना। लोग नहा रहे हैं नदी में, मंदिर के पीछे मेरे पूजा पाठ हो रहा है, सब हो रहा है। मैं और इस चीज़ के लिए मैं सुबह 5 बजे उठ के आया। 5 बजे, 5 बजे उठा हूँ, 5 बजे नहाया हूँ। क्योंकि एक बार मैंने गलती किया था, मैं बिना नहाए चला गया था एक जगह, तो नहा धो के आया हूँ मैं। आज का सनसेट का टाइम था 6:45, बट वो हो चुका है, बट दिख नहीं रहा है सन। इधर से कहीं से होना था सनराइज, शायद बादल है, कोहरा है, उसके कारण दिख नहीं रहा है सन। दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, बट दिखेगा। सनराइज देख के जाऊंगा भाई, यहाँ पे बहुत प्यारा दिखता है सनराइज। चलो चाय पियेंगे। चाय घर से चाय भी नहीं पी के आया, सिर्फ मकर संक्रांति है बोल के वो तिल गुड़ खाया हूँ, बाकी कुछ नहीं। हम मम्मी भी ब्लॉग कर रही है, अब कुछ कुछ सीन इसमें ना इस वीडियो में मम्मी का भी आएगा, वो भी रिकॉर्ड कर रही है, कुछ कुछ बात कर रही है। बाकी वो पीछे में मेरे उधर चूल्हे पे चाय बन रहा है, तो इधर में मिलेगा, चाय पियेंगे। यहाँ एकदम बचपन में छोटी थी, 10 साल करीबन होगा मेरा, मेरे मम्मी पापा और भी फ्रेंड सर्कल सब पिकनिक करने आए थे ये सब जगह में। अभी मेरा बेटा बोलता है रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे लोग आ जा रहे थे ना, उस समय लोग आते जाते नहीं थे, पैदल यात्री थी, पैदल चलते थे। बड़ा मज़ा आता, इसीलिए आ जाई बेटे के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज, अभी टाइम कितना हो रहा है हनी, टाइम कितना हो रहा है? 7:14। आज के बाद से थोड़ी थोड़ी गर्मी और दिन बड़ा होता है। दिन बड़ा तो 25 दिसंबर से ही होता है, पर पता चलता है आज के बाद से। ये देखिए कितना सुंदर सूर्य देवता, मैं तो खाली आँख से देख रही तो और सुंदर दिख रहा है। वीडियो में शायद उतना सुंदर तो नहीं दिखा पा रही हूँ, पर इसको फील करने में ही मेरे को बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्या पता मैं जितना फील कर रही हूँ आप लोग करोगे कि नहीं, पता नहीं।
सुबह आना तो भाई सफल रहा, मैं सनराइज देख पाया। अभी हुआ मेरे पीछे, उधर छुप गया बादल में, बट मैंने जो मेरे को रिकॉर्ड करना था वो मैं कर लिया। सनराइज तो कम से कम देखने मिला, माहौल भले ना मिला हो बट सनराइज तो कम से कम मैं देख पाया। अभी जा रहे अपन एक साइड से उस तरफ, कहीं था मैं वहां से इस तरफ, ये इधर। पहले आए यहीं पर थे बट पहले हम डिसाइड किया कि उस तरफ जाते हैं, फिर आके यहाँ देखेंगे, क्योंकि ये तो हर बार देखते हैं। और मम्मी को जो दिखता है ना वो वहीं पे ब्लॉग करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है ना, वो डालूंगा वाला शॉट भी, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है जगह का, उसका शॉट लेके शायद कुछ बोले और कुछ करेगी। इस नदी का एड्रेस है, देखिए, मेरा शहर मेरी पहचान, नदी का नाम शिवनाथ नदी, वाट का नाम रामदेव मंदिर वाट, वाट क्रमांक 35, नगर पालिका निगम दुर्ग। ये इस नदी का अपनी पहचान है। में तिल गुड़ तो खाते ही हैं, वो तो है ही, बट एक स्पेशल चीज है जो कि आप कहीं खरीद के नहीं खा सकते, मतलब उसको पैसे से आप खरीद नहीं सकते, कोई दुकान में नहीं मिलेगा वो। कोई बना के बेचेगा तो अलग बात है, कौन ये बना के बेचेगा, ऑर्डर पे, हाँ ऑर्डर पे वो अलग बात है, बट ऐसे दुकानों पे जैसे मिठाई मिल जाता है, रसगुल्ला विजला वो सब मिल जाता है, ये चीज वैसा नहीं मिलेगा। क्या चीज है देखो आप, खीर। अब ये खीर का कलर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो खीर है ये है गुड़ का खीर, वो भी कोई नॉर्मल गुड़ नहीं, क्या बोलते हैं, पटाली गुड़ खजूर, पटाली गुड़ खजूर के गुड़ का खीर, बताओ मिलता है कहीं। अब यहाँ से मेरा दिन होगा वही नॉर्मल, ऑफिस जाऊंगा और मम्मी कहीं जाएगी, वो एक जगह मिलाद उलाद कुछ है वहां जाएगी, और ऑफिस जाऊंगा अपना काम करूंगा वैसे नॉर्मल। शाम को शायद मामा के यहाँ चले जाऊँ, वो कोई स्पेशल नहीं है। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करना है, फ्री है, सब्सक्राइब कर दो, बस दबा के छोड़ दो, पैसा उसे लगना नहीं है, दबा के छोड़ दो, ऐसी वीडियोस आते रहेंगी, देखना बढ़िया मजा करना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, टिल देन शो सम लव टू एवरीवन, बाय।